really think you should. सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सारे? उम्मीद है आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा दूसरा गेम्स खेलता हूँ फ्री फायर के अलावा। यहाँ पर भाई बहुत से बार आपके साथ भी होता होगा कि जब सर्वर डाउन रहता है तो तब आप कोई दूसरा गेम खेलते हो, या फिर जब जो है आपका मन नहीं लगता, आपको लगता है कि भाई चलो दूसरा गेम भी ट्राई करते हैं, तब आप खेलते हो 5-10 मिनट के लिए भी सही, लेकिन आप खेलते होंगे दूसरे गेम्स। आपके फ़ोन में होगा एक ना एक गेम। तो यहाँ पर भाई मेरे फ़ोन में भी है। यहाँ पर भाई एक गेम मेरा फेवरेट नहीं है, यहाँ पर दो गेम मेरा फेवरेट आप बोल सकते हो, सेकंड फेवरेट है फ्री फायर के बाद। तो जितने भाई लोग देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन आपको मिल जाएगा उसको दबा के ऑल पे सेट कर देना। तो भाई यहाँ पर जो फर्स्ट गेम मैं आपको बताने वाला हूँ वो पीसी वर्जन में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन एंड्रॉयड वर्जन में हाल ही में आया है तो उतना ज़्यादा फेमस अभी नहीं है। और इस गेम का नाम है ह्यूमन फॉल फ्लैट। यहाँ पर बहुत से लोग इसको खेले होंगे, यहाँ पर बहुत से लोग इसके बारे में सुने होंगे। तो यहाँ पर भाई जो एंड्रॉयड वाला वर्जन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कंट्रोल करने में। तो भाई सबसे पहले जब हम लोगों ने इसको डाउनलोड किया ना, इतना भाई मुश्किल लगा इसको जो कंट्रोल है वो समझने में, मैं आपको क्या ही बताऊँ भाई, इतना मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है आदत पड़ गया कंट्रोल करने में। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने सारे के सारे लेवल्स कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर एक पजल गेम है, आपको ब्रेन यूज़ करके सारे के सारे लेवल यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर सारे के सारे लेवल जो पहले से अनलॉक रहता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम इसको खेल रहे हो तो आप सबसे पहले वाला जो लेवल है वहीं से आप शुरू करो। और अगर आप YouTube वगैरह देख के इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हो तो भाई जो गेम का मज़ा है वो चला जाता है। तो अगर आप कभी भी अटक जाते हो ना तो आप ट्राई करो कि अपना ब्रेन यूज़ करके उसको पार करने की, वरना जो गेम का मज़ा है वो चला जाता है। और ये जो गेम है भाई मल्टीप्लेयर भी है, आप चाहो तो यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ भी इसको आप खेल सकते हो। बस उसको आप इनवाइट सेंड कर दो ग्रुप बना के, और उसके पास एक लिंक चला जाएगा और उस लिंक पे क्लिक करके वो जो है आपके गेम में ज्वाइन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शायद से मल्टीप्लेयर खेलने के लिए आपको गूगल प्ले गेम्स जो है वो ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा शायद से, मुझे पता नहीं भाई, बहुत दिन पहले मैंने इंस्टॉल किया था इसको, तो शायद से ये लगता है मल्टीप्लेयर खेलने के लिए। तो भाई यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर जिस बंदे ने मतलब ग्रुप बनाया होगा ना तो उसका गेम बहुत मक्खन चलेगा, लेकिन जिस बंदे को आप बुलाओगे अपने ग्रुप में उसका जो गेम है थोड़ा सा लैग करके चलेगा, मतलब थोड़ा सा अटक के चलेगा, सब कुछ लेट चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप कुछ कर रहे हो लेकिन उसका रेस्पॉन्स थोड़े से बाद आ रहा है, तो ऐसा लगता है भाई। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये अगर सॉल्व हो जाए तो भाई ये गेम बहुत ज़्यादा ओपी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भाई बहुत सारे लेवल्स है, बहुत सारे ओपी लेवल्स हैं यहाँ पर, और जितने भी सारे अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग लेवल्स कंप्लीट करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पर भाई बहुत बढ़िया मतलब गेम है भाई, इतना बढ़िया मुझे लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको खेला। अभी तो भाई सारे के सारे लेवल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और आपको पता ही है यहाँ पर एक ही चीज़ें बार बार करने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर जब इसका अपडेट आता है तो उसी के साथ जो है एक न्यू लेवल ये लोग ऐड करते हैं अभी, तो तभी हम लोग इसको खेलते हैं। तो अभी जो है जितने भी सारे लेवल्स इसमें है भाई, उसको कंप्लीट करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप इसको फर्स्ट टाइम खेलते हो। तो यहाँ पर भाई बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे वाटर लेवल है, बहुत सारे आइस लेवल है, तो बहुत सारे अलग अलग लेवल्स हैं और बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड है। तो आप अपना ब्रेन यूज़ करके इसको कंप्लीट कर सकते हो, और जैसे ही आप एग्जिट पॉइंट तक जाओगे तो आपका जो लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक और मेरा सेकंड फेवरेट गेम है जिसको मैं बहुत से टाइम खेलता हूँ, और इस गेम का जो नाम है वो है स्काई चिल्ड्रन ऑफ द लाइट्स। तो यहाँ पर इस गेम का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है, एंड ये जो गेम है एक एडवेंचर गेम है, ठीक है। और यहाँ पर भाई करने के लिए बहुत सारे कुछ है, तो अगर आप हेडफोन यूज करके इसको खेलोगे ना तो भाई आपको लगेगा कि किसी और ही दुनिया में आप पहुंच चुके हो, ऐसा आपको लगेगा। यहाँ पर भाई इसका जो साउंड इफेक्ट्स वगैरह है इतना ज़्यादा ओपी लेवल का है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो जब आप इसको खेलोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर भाई किसी ऐप्स का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, अगर आपको लगे ऐसा तो भाई आप गलत हो। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपका बस एक ही गेट यहाँ पर खुला हुआ दिखेगा जिसमें आपको जाना है, तो वहीं से आपका जो मिशन है शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर एडवेंचर गेम है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा एडवेंचर गेम में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे कुछ करने के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको विंग्स वगैरह कलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे विंग्स जो है आपको सामने ही दिखेगा, लेकिन बहुत सारे विंग्स जो है आपको हिडन जगह पे दिखेगा जहाँ पर आपका जो है दिमाग ही नहीं सोच सकते कि वहाँ पर कुछ होगा, तो ऐसी जगह में भी आपको विंग्स मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका पंख है उसका लेवल, यहाँ पर विंग्स कलेक्ट करके आपको लेवल अप करना पड़ता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो एक लाइन का मतलब है आपका जो विंग्स है एक लेवल का है, और दो लाइन का मतलब है दो लेवल का। ऐसे अनलिमिटेड लेवल तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मुझे उतना भी ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं इस गेम में अभी नूब ही हूँ भाई। जैसे फ्री फायर में प्रो है और नूब रहता है जो गेम में हाल ही में आता है, तो ऐसा आप कुछ समझ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस कि गेम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर आपको स्प्रिट बगल भी मिलेगा यहाँ पर, जिसको आपको जगाना पड़ता है। उसको जब आप जगाओगे तो आपको इमोट वगैरह यहाँ पर फ्री में देगा, और इमोट को आप बाद में अपना अपग्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे इमोट आपको देखने को मिलेगा, और इमोट वगैरह जो है आप स्प्रिट को जगा के आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर भाई अगर आप कभी भी खो जाते हो तो आपके सर के ऊपर अगर आप एक बार मारोगे तो आपको दिखा देगा कि आपको जाना किधर है, ठीक है। तो वहाँ पर एक टेम्पल रहता है जहाँ पर आप जाके अपना जो मिशन है वो कंप्लीट कर सकते हो, और नेक्स्ट मिशन में आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भाई बहुत सारे कुछ देखने के लिए, बहुत सारे अलग अलग जगह है देखने के लिए, और बहुत ओपी लेवल का है, और ये एक मल्टीप्लेयर गेम भी है। मतलब आप फ्रेंड के साथ भी इसको खेल सकते हो, बस उसको आपको ऐड करना पड़ता है। और भाई जो भी आपके आसपास रहता है ना, आप देखना बहुत से बार आपके आसपास बंदे दिखेंगे जो ब्लैक कलर के दिखेगा, लेकिन भाई वो असल में रियल प्लेयर होता है, जिसको आपको अगर आप चाहते हो उसको जगाने के लिए, मतलब उसको थोपरा अगर आप देखना चाहते हो, तो आपको जो है लाइट जो आपका पास जो कैंडल है वो आपको जलाना पड़ता है। तो वो अगर जलाता है तो अभी आप जो है उसका थोपरा देख सकते हो, ठीक है। और एक कैंडल खर्च करके आप जो है उसको फ्रेंड को भेज सकते हो, और वो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको तो आप दोनों फ्रेंड बन जाओगे, ठीक है। चाहे वो बंदा जहाँ से भी हो, जिस दुनिया से भी हो, मतलब जिस देश से भी हो, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि वो बस इंडिया से ही होगा, यहाँ पर कोई भी देश से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वर वगैरह नहीं होता, मतलब सारे बंदे एक ही गेम में खेलते हैं, एक ही सर्वर में खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गेम है भाई बहुत ज़्यादा ओपी लेवल का है, एंड बहुत कुछ करने के लिए बहुत सारी जगह है यहाँ पर देखने के लिए। आपको भाई पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी जगह पर आप कहाँ पर जा रहे हो। यहाँ पर इतने सारे जगह है जाने के लिए, भाई मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितनी जगह पर गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में बहुत सी जगह पर मैं घूमा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं घूमा है। तो यहाँ पर बहुत सारी जगह जो है न्यू ऐड होता रहता है, मतलब कुछ महीने बाद। तो आप जैसे कि फ्री फायर में बहुत सी जगह न्यू ऐड होता है, बहुत सी मैप ऐड होता है, तो यहाँ पर भी बहुत सी जगह न्यू ऐड होता रहता है। और यहाँ पर भाई मिशन वगैरह भी रहता है जैसे फ्री फायर में रहता है, लेकिन मैं उस चीज़ों को कंप्लीट नहीं करता उन सारी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर मैं बस इसको मज़े के लिए खेलता हूँ, और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग मुझे लगता है इसको खेलने के लिए, तो इसलिए मैं इसको खेलता हूँ। और भाई मतलब आँखों को इतना ज़्यादा मतलब मज़ा आता है ना इसको खेलने के लिए, आँखों को और खानों को भी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और भाई यहाँ पर आप अपने फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हो, बहुत सारे फ्रेंड के साथ भी आप इसको खेल सकते हो। उसको आप फ्रेंड को यहाँ पर भेज सकते हो, यहाँ पर एक लिंक वगैरह जाता है, तो वहाँ पर उसको जैसे ही आपका जो फ्रेंड है वो जैसे ही क्लिक करेगा उस लिंक पे, तो आप उसका फ्रेंड बन जाओगे, और यहाँ पर कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता फ्रेंड बनाने के लिए। और भाई यहाँ पर कैंडल आपको कलेक्ट करना पड़ता है, कैंडल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है इस गेम के लिए। तो कैंडल आप कलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, बेसिकली आपको लाइट्स कलेक्ट करना पड़ेगा कैंडल कलेक्ट करने के लिए। और भाई इस गेम में भी कोई वॉइस सिस्टम नहीं है जिसकी मदद से आप जो है अपने दोस्तों के साथ बात वगैरह कर सको, तो इसका मतलब इसमें भी आपको डिस्कॉर्ड वगैरह में कनेक्ट होकर आपको खेलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्तों के साथ आप बात करो तो आपको डिस्कॉर्ड वगैरह में कनेक्ट होकर ही आपको खेलना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास दो ही लेवल का पंख है, क्योंकि अभी मैंने सारे के सारे पंख दे के आया हूँ, क्योंकि लास्ट में एक मिशन रहता है जहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी, और वहाँ पर जाके आपको बहुत सारी कठिनाई का सामना करते हुए यहाँ पर आपके पास जितने भी सारे विंग्स है वो आपको देना पड़ता है, एंड उसके बाद आप जो एक लाइट में मतलब ट्रांसफ़र हो जाओगे, और उसके बाद आप चले जाओगे जहाँ पर सारी चीज़ों का मिलन होता है। समझ रहे हो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर जाने के बाद आपको एक गेट मिलेगा, सारे के सारे बहुत सारे यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में आपको बताया, लेकिन बहुत सारे कुछ यहाँ पर है जिसको आप देखोगे ना तो आपका मतलब आँखें फटे की फटी रह जाएगी। और यहाँ पर एक गेट रहता है, उस गेट के पार जैसे ही आप जाओगे ना तो आप फिर से रीबॉर्न हो जाओगे, ठीक है। जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पर आप फिर से पहुँच जाओगे, और आप फिर से सारा कुछ कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपको रेड कैंडल मिलता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है साबित हो सकता है, अगर आप इस गेम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो। क्योंकि वहाँ पर मैं रेड कैंडल कलेक्ट करने के लिए नहीं जाता हूँ, बस मुझे मज़ा आता है भाई। यहाँ पर आप जब जाओगे ना तो यहाँ पर भाई ऐसा नहीं है कि सेम ही चीज़ें यहाँ पर होता है, यहाँ पर जब आप जाओगे वहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होता है हर बार, एंड बहुत ज़्यादा मज़ेदार एक गेम है। यहाँ पर ड्रैगन भी है भाई,
ड्रैगन आपको जो है आपका जो है विंग्स यहाँ पर नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो आपको टक्कर मारेगा तो आपका एक विंग्स यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई करने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ पर भाई इंस्ट्रूमेंट भी है जिसको आप बजा सकते हो और बंदे को सुनाई भी देगा वो, ठीक है। जो आसपास आपके बंदे रहेंगे ना उसको आपका जो आप जो बजा रहे हो वो सुन पाएगा। भाई मेरे पास एक है लेकिन मैं बजाता नहीं हूँ, यहाँ पर बहुत सारे हैं लेकिन मैंने एक ही अनलॉक किया है। मैं यहाँ पर बजाना मुझे भाई नहीं आता बिल्कुल भी, तो मैं बजाता नहीं हूँ लेकिन टूंग टांग भाई ऐसे ही करता रहता हूँ। तो भाई यही था दो गेम जो मैं खेलता हूँ यहाँ पर। जो सेकेंड वाला गेम मैंने बताया भाई वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड दोनों गेम ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके लिए कौन सा गेम बेस्ट है यहाँ पर, एंड कौन सा गेम आप खेलते हो वो भी कमेंट करके बताना। तो चलो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और आई होप आपका दिन अच्छा जाए।